बेटा नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मैं सी में पहले एक बार आपको याद दिला देता हूं फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसा होता है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम फैक्टोरियल के प्रोग्राम में हम यूजर से लेंगे एन, एक फैक्ट करके एक एक और वेरिएबल लेंगे, प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर, अगर यूजर ने नेगेटिव दिया तो हम बोल देंगे इफ एन इज लेस देन जीरो तो हम क्या बोल देंगे इनवैलिड नंबर। यस सर। आप लोग भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो मैं सी के प्रोग्राम के बना रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, उनको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ और सर देखे थे मैंने एक। हाँ बेटा आप सभी के लिए वो बहुत अच्छे हैं, लगभग 26 असाइनमेंट रहेंगे उनके लिए, तो आप लोगों को भी अगर असाइनमेंट चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो बाकी असाइनमेंट की मैं ड्राइव पे लिंक भी रहती है, वो करना स्टार्ट करें आप तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्स में हम जाके देखते हैं, एल्स में हमें क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर एन माइनस आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन तक, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एन बार चलेगा। यस सर, ये लूप एन बार चलेगा। इसके अंदर हम लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई फैक्ट माइनस वन, हर बार आई का मल्टीप्लाई होता जाएगा फैक्ट में, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी कई लोगों को अच्छा ही लगेगा ऐसा लगा देता हूँ। आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहाँ ब्रैकेट लगाना है कहाँ नहीं लगाना। एक लाइन जब भी होती है तो वो फॉर के या इसके अंदर ही मानी जाती है, तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है इफ फॉर, अगर ये है तो ऐसा, ठीक है। ये कितनी बार चलेगा, ये एन बार चलेगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर एन की वैल्यू जीरो है तो ये एक भी बार नहीं चलेगा, तो फैक्टोरियल जीरो भी वन होता है और फैक्टोरियल वन भी वन होता है ना, तो इसीलिए वो नहीं किया है। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा एन, ये प्रोग्राम ये फैक्ट, फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं, आई डिक्लेयर नहीं किया, आई को हम डिक्लेयर कर देंगे, इसको हम रन करके देख लेंगे। तो प्लीज एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर, मैंने दिया पांच, तो फैक्टोरियल ऑफ पांच 120 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से देख लो, प्लीज एंटर नॉन नेगेटिव नंबर, मैंने दिया थ्री, फैक्टोरियल ऑफ थ्री 6, फिर से देख लो, प्लीज एंटर नॉन नेगेटिव नंबर, मैंने दिया जीरो तो वन आ रहा है, प्लीज एंटर नॉन नेगेटिव नंबर, मैंने वन दिया तो वन आ रहा है, प्लीज एंटर नॉन नेगेटिव नंबर, टू दिया टू आ रहा है, सही चल रहा है बिल्कुल, फोर दिया 24, सिक्स दिया 720, सेवन दिया 50-40, एट दिया 40-320, माइनस वन दिया माइनस टू दिया, इनवैलिड इनपुट, लेकिन फैक्टोरियल भी प्रिंट कर रहा है, तो हमें क्योंकि ये एल्स में लिखना था, ये लाइन किस में लिखना था, एल्स में, तो ये एक गलती रह गई थी, इसीलिए प्रोग्राम को डिफरेंट इनपुट के लिए रन करना चाहिए हमेशा। अब इसमें तो माइनस का टू, ये देखो इनवैलिड इनपुट बस बोल रहा और कुछ नहीं प्रिंट नहीं कर रहा, माइनस वन
चल रहा है, मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो ये प्रोग्राम है, अब ये प्रोग्राम मुझे लिखना है सेल स्क्रिप्टिंग में, है ना। तो सेल स्क्रिप्टिंग में इसको लिख लेंगे, ये लाइनिक्स हमने खोल लिया है। ये प्रोग्राम है, अब ये हैश इंक्लूड ये तो लिखना नहीं पड़ता है सेल स्क्रिप्टिंग में, यहां से हम देखते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, वहां उसके हिसाब से हम इसको लिख लेंगे। तो क्या है आपका वो था डेस्कटॉप पे बनाए थे मैंने सेल एग्जांपल्स और न्यू में बनाए हुए थे, ये टेबल वगैरह बनाए हुए थे, एक नया बनाता हूँ। करता हूँ फैक्टोरियल डॉट बैच, फैक्टोरियल डॉट बैच, और इसी के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ ये, ठीक है। अब कैसे करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने की तो इसमें आवश्यकता होती नहीं है, तो मुझे आई बनाना है, एन बनाना है, फैक्ट इक्वल टू वन रखना है, बस ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्ट इक्वल टू वन लेना पड़ेगा। तो मैं इधर लिख दूंगा फैक्ट, आई की जगह मैं लिख दिया फैक्ट इक्वल टू वन, और आई का लूप भी और इनपुट एंटर एनी नंबर, तो उसके लिए मुझे ये लिखवाना है प्लीज एंटर नॉन नेगेटिव नंबर, तो उधर मैं ये लिख दूंगा। फिर यूजर से वैल्यू लेनी है एन की, तो वो एन में ले ही रहा हूं मैं रीड एन करके, है ना। फिर फैक्ट इक्वल टू वन ले लिया, ठीक है। अब तो नेगेटिव नंबर चेक करना था, इफ, अब मुझे इफ लिखना है, इफ सेल स्क्रिप्टिंग में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं देख लेता हूं यहाँ पे, इफ एल्स सेल स्क्रिप्ट, सेल स्क्रिप्ट में इफ एल्स कैसे लिखेंगे, इफ एल्स ये है, इफ के बाद एक्सप्रेशन आती है, देन आता है, एल्स आता है और एफ आई आता है, इफ का उल्टा आ जाता है, इफ का उल्टा एफ आई आ जाता है लास्ट में। तो ये है, जैसे ये तरीका इफ एल्स लिखने का, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। तो कंडीशन मुझे क्या लिखनी है अपने प्रोग्राम में, मैंने क्या लिख के, इफ एन लेस देन जीरो, तो लेस देन के लिए क्या लिखते हैं हम, एन एल ई, नहीं सर सॉरी सर, माइनस एल, एल ई तो लिखते हैं इक्वल के लिए, यस सर, लेस देन एल टी, एल टी था, एल टी था, लेस देन एल टी, माइनस एल टी जीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन, तो यहाँ क्या प्रिंट कराना है मुझे, इनवैलिड नंबर प्रिंट कराना है, तो बस वो लिख दूंगा मैं इनवैलिड इनपुट। else में क्या कराना है, else में तो पहले एक फॉर लूप लिखना है, तो फॉर लूप लिखने के बाद फिर मुझे ये फैक्टोरियल का नंबर प्रिंट कराना है, तो लूप लिखूंगा मैं, लूप मैंने ये लिखा हुआ था, तो लूप इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यही एज इट इज पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये। अब ये है, तो क्या है, क्या किया इसमें मैंने,
लूप में क्या लेना था, एक वेरिएबल लिया आई, तो यहां मैं लिखूंगा आई इक्वल टू वन, फिर आई लेस देन इक्वल टू, किसके लेस देन इक्वल टू चलाना मुझे एन तक, डॉलर एन आएगा, डॉलर एन यूजर से एन लिया उससे जब तक इक्वल है, और मुझे आई को इंक्रीमेंट करने का यहाँ पे लिखा ही है, बस मुझे लिखना पड़ेगा फैक्ट क्या लिखना पड़ेगा, फैक्ट फैक्ट इक्वल टू इसी तरह से जैसे ये लिखा है नीचे वाला, डॉलर डॉलर फैक्ट इनटू डॉलर आई, ये देखो इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा उसकी वैल्यू फैक्टोरियल जो हुआ है, ये प्रिंट करना है मुझे, फैक्टोरियल ऑफ दिस इज दिस, फैक्टोरियल ऑफ किसका फैक्टोरियल है, डॉलर आई एन का फैक्टोरियल ऑफ डॉलर एन इज डॉलर फैक्ट, ये है, ये मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम है, अब इसको टर्मिनल आप लोग बनाना स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा बेटा सेल स्क्रिप्ट। ये फैक्टोरियल डॉट बैश अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, chmod 755 फैक्टोरियल डॉट बैश। अब देखो ये हो गई है डॉट स्लैश फैक्टोरियल डॉट बैश, प्लीज देखो रन हो रहा प्रोग्राम, प्लीज एंटर नंबर नॉन नेगेटिव नंबर, मैंने दिया 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, देखो प्रिंट हो रहा है, यस सर, मैंने दिया माइनस का 3, इनवैलिड इनपुट, मैंने दिया 2, फैक्टोरियल इज 2, मैंने दिया 0 1, मैंने दिया 1, मैंने दिया 10, देखो ये आ गया, मैंने दिया 4, चल रहा है प्रोग्राम, तो इफ एल्स कैसे लिखते हैं, इफ एल्स का एक प्रोग्राम है ये, ठीक है, इफ एल्स का एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, सी लास्ट में एफ आई क्यों है, ऐसे ही इफ इफ ये चालू हुआ ये बंद हुआ ये उसमें लिखने अच्छा। का तरीका है ये उल्टा लिख दिया, चालू हो गया ये बंद हो गया, इफ का उल्टा लिख दिया एफ आई, फिर इफ के बाद लिखना होता है, इसके बाद क्या लिखना होता है, देन लिखना then, होता then. है, फिर आपको जो करना है वो करो, फिर एल्स लिख दिया, जो करना है वो करो, एफ आई से समझ जाएगा एल्स बंद हो गया, और अगर एल्स नहीं लिखा तो भी वो एफ आई से समझ जाएगा कि इफ बंद हो गया, देन yes, से शुरू होगा इफ, और या तो एल्स पे खत्म होगा या एफ आई पे खत्म होगा, अगर एल्स लिखा है तो एल्स के बाद फिर एल्स शुरू हो गया एफ आई पे खत्म हो जाएगा, समझ में आया, तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाइल के आगे भी देखो डू और डन लगता है, डू लगता है और क्या लगता है, डन लगता है, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी कि वाइल के आगे क्या लगता है, डू लगता है, वाइल खत्म कहाँ होता है, डन पे, किसके आगे लगता है, डन, और खत्म कहाँ होता है, एफ आई, बस इसी की प्रोग्रामिंग है। एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, लॉजिक से ही होता है, हाँ नेगेटिव है ना,
इसको प्रोग्राम का नाम लग देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, टेस्ट इफ कर देते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर इफ, टेस्ट इफ नाम से एक फंक्शन बनाया। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, यूजर से नंबर लेंगे और बताएंगे वो नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यूजर बोलेगा प्लीज एंटर अ नंबर, अब यूजर जो देगा नंबर तो हमारा प्रोग्राम बताएगा नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव। अगर इफ नंबर लेस देन जीरो है तो नंबर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। एल्स में नंबर इज पॉजिटिव। यस सर। ये देखो नंबर इज पॉजिटिव। इस प्रोग्राम को चलाते हैं। टेस्ट इफ अभी वो करना पड़ेगा TH मोड से। प्लीज एंटर नंबर, मैंने 5 दिया नंबर इज पॉजिटिव। प्लीज एंटर नंबर, मैंने 0 दिया नंबर इज पॉजिटिव। प्लीज एंटर नंबर, मैंने दिया माइनस का 5 नंबर इज नेगेटिव। चल रहा है इस तरह से हम इफ एल्स लिखते हैं। समझ में आया। अब अगर मुझे सिर्फ ओनली इफ टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, सिर्फ इफ, एल्स नहीं लिखना है, ओनली इफ। ये ओनली इफ का प्रोग्राम रहेगा। ओनली इफ में क्या रहेगा, सिर्फ मैं इफ टेस्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एल्स की जगह मैं यहीं पे बंद कर दूंगा एफ आई। प्रोग्राम इज फिनिश्ड। ये देखो अब ये प्रोग्राम है, अगर नंबर आप नेगेटिव डालोगे तो वो प्रिंट करेगा नंबर इज नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव डालोगे तो ये वाली चीज नहीं चलेगी। ये चीज कब चलेगी, जब नंबर नेगेटिव होगा तभी, क्योंकि तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक बात है, चला के देखते हैं इसको। ओनली इफ को मैंने वो कर लिया है, प्लीज एंटर नंबर 5 डाला तो प्रोग्राम इज फिनिश्ड, और अगर -5 डाल रहा हूँ तो नंबर इज नेगेटिव। ये देखो इफ एल्स चल रहा है, अकेला इफ भी चल रहा है। ये देखो yes, अकेला इफ लिखने का ये तरीका है कि इफ लिखो देन लिखो और एफ आई तो लिखना ही लिखना है, इफ देन एफ आई लिखना ही लिखना है, बीच में एल्स आ जाता है तो एल्स हो जाता है। चेक कर लेते हैं ना, एक और बनाते सेव एज इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ बना लेते हैं। इफ एल्स इफ में क्या लिखेंगे हम, इफ अगर नंबर लेस देन है 0 के तो नंबर इज नेगेटिव, फिर लिख देते हैं एल्स इफ अगर नंबर 0 है तो फिर से देन आएगा यहाँ पे। नंबर इज जीरो और लास्ट में हम लिखेंगे एल्स नंबर इज पॉजिटिव।
चला के देख लेते हैं। फैल सिर्फ है तो सी एच मोड नंबर दिया 5, एरर आ गई है। इफ एल्स इफ दोबारा देन नहीं लिखना होता होगा, लिख लेते हैं। एल्स एल्स नहीं सर, सर एलसी से मिला के लिखते हैं ना सर, स्पेस नहीं देते एलसी से, जैसे याद मुझे याद है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, एलसी स्पेस देख ही लिखेंगे लिखते हैं। और इधर ये करते हैं एक मिनट, हां एलसी, हां सर मैं इक्वल टू चलता हूं सर, नहीं सेंटर नियरेस्ट वो एल्स एक एरर दिखा रहा है। इसमें देख लेते हैं ना इफ एल्स इफ कैसे लिखते हैं, तो दोनों से होते हैं, मिला के लिखते हैं सर शायद, इफ दोनों से होते हैं, इफ एल्स इफ, हां इफ एल्स इफ शैल स्क्रिप्ट ऑसम। ELIF लिखा है ELIF है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे ELIF ऐसे है ना, सब बढ़िया जी भाषा है सर इन लोगों की सर, नहीं ऐसे एफ आई एल देन भी आता है क्या, हाँ सर देन आता है सर, देन भी है, हाँ सर देन भी है, देन भी लो चलेगा ठीक है ना, चल रहा है। तो जीरो के लिए डबल इक्वल टू भी चेक कर लेते हैं, चल रहा डबल इक्वल, चल रहा डबल ठीक है ना। और नॉट अब इसमें सेल स्क्रिप्टिंग में क्या देखना है, ऑपरेटर्स इन सेल स्क्रिप्ट, ऑपरेटर्स इन सेल स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग में बेसिक ऑपरेटर्स क्या क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये तो अर्थमेटिक तो प्लस कर लिया, एडिशन ठीक है, मॉड्यूलस, इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी क्या है, नॉट इक्वल, यस सर, नॉट इक्वल, रिलेशन ऑपरेटर में क्या है, ये है इक्यू, तो इक्वल डबल इक्वल से भी कर सकते हैं और इक्यू से भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू के लिए एन ई है, फिर जीई ग्रेटर देन एल टी लेस देन जीई ग्रेटर इक्वल टू और एल ई लेस इक्वल टू, ठीक है, और बुलियन ऑपरेटर नॉट है, ये डैश ओ ए एंड एन और है, अभी सी में पढ़ मतलब अगर पढ़े होंगे तो समझ आएंगे, हां सर पढ़े हैं ना, ऑपरेटर भी है, हां स्ट्रिंग ऑपरेटर भी है, ठीक है चलो ठीक है। बाकी फाइल को ओपन करने के ये सारी चीजें हैं, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट की है, ठीक है, शेल ऑपरेटर्स कॉर्न शेल, ठीक है, तो ये सारे थे, ठीक है। तो हमने इफ एल्स भी पढ़ लिया आज, हमने इफ एल्स पढ़ लिया, फॉर लूप पढ़ लिया, ठीक है, तो
समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। कोशिश करें और समझने की नहीं आया हो फिर आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट सभी को करना है। ये मैं आप लोगों के पढ़ने के लिए आपको एक भेज देता हूँ, जिससे कि जो प्रोग्राम हमने समझे हैं वो सभी आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। गूगल क्लासरूम पे है ना? नहीं, अभी मैं डाल देता हूँ, पहले बना लूँ उसको भी डालता हूँ, आपके सामने ही बना रहा हूँ। ये किस चीज का है प्रोग्राम? ऐड करने का। हाँ जी। एडिशन, ठीक है, एडिशन है।